हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर मनी यूट्यूब चैनल पर। मैं बात करने जा रहा हूं कंपनी सुबैक्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के रिलेटेड एक न्यूज सामने आ रहा है दोस्तों, तो आइए डायरेक्टली चलते हैं न्यूज के ऊपर। जी हां दोस्तों, सुबैक्स लॉन्चेस हाइपरसेंस एन एंड टू एंड ऑगमेंटेड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। यहां पर सुबैक्स लिमिटेड ने दोस्तों अपना AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म हाइपर सेंस को लॉन्च कर दिया है। देखिए आज के तारीख है दोस्तों 22 अप्रैल 2021। सुबैक्स ए पायोनियर इन डिजिटल ट्रस्ट कंपनी दोस्तों, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम करने वाला कंपनी। ये कंपनी जो है दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर को अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। टुडे लॉन्चेस हाइपर सेंस एन एंड टू एंड ऑगमेंटेड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स एंटरप्राइजेस मेक फास्टर बेटर डिसीजन बाय लिवर्जिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अक्रॉस द डेटा वैल्यू चेन दोस्तों। क्योंकि हम सबको पता है दोस्तों, आने वाला समय जो है दोस्तों ऑटोमेशन का जमाना होगा, तो इस ऑटोमेशन जमाने में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल जो है वास्ट होने वाला है। तो आइए इस कंपनी को, कंपनी के रिलेटेड और कुछ पैरामीटर को देखते हैं दोस्तों। अगर कंपनी के पहले हम फाइनेंशियल पैरामीटर को चेक करेंगे मनी कंट्रोल वेबसाइट में, अगर हम स्टैंड अलोन रेवेन्यू देखते हैं दोस्तों, कंपनी जून 20 में 13 करोड़ का रेवेन्यू यहां पर जनरेट किया है, आपको देखने के लिए मिल रहा है। देखिए 13 करोड़ का। फिर दोस्तों रेवेन्यू में डिक्लाइन आया 10 करोड़, और दिसंबर क्वार्टर में दोस्तों यह कंपनी जो है 5 करोड़ का सिर्फ रेवेन्यू जनरेट किया था। नेक्स्ट अगर हम नेट प्रॉफिट की देखेंगे, ये देखिए नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी आपको ऐसा ज़बरदस्त वैल्यू देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। देखिए दिसंबर 2019 में शुद्ध घाटा -219 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को शुद्ध घाटा हुआ था। फिर ये उभरा कंपनी 20 करोड़ यहाँ पर जनरेट किया नेट प्रॉफिट। फिर दोस्तों यहाँ पर 9 करोड़, 4 करोड़ और दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 1 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ था। यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट वाइज देखेंगे तो देखिए कंपनी जो है, कंपनी का परफॉर्मेंस जो है इतना ज़बरदस्त नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं, जो कि एक अहम रोल निभाता है दोस्तों। किसी कंपनी में आपको निवेश करने से पहले ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। प्रोमोटर के पास देखिए, यहाँ पर कोई भी प्रोमोटर, यहाँ पर कोई भी शेयर कंपनी का होल्ड नहीं करते हैं दोस्तों। पब्लिक के पास देखिए, यहाँ पर 94.43% होल्डिंग है। ऑलमोस्ट ऑल शेयर पब्लिक के पास यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखते हैं, ये 0.33% था, दिसंबर में 0.03 हो गया और मार्च में 0.01% दोस्तों। ये लगातार यहाँ पर जो है FII अपना स्टैक जो है यहाँ पर विथड्रॉ कर लिया है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम DII होल्डिंग देखेंगे, ये देखिए DII होल्डिंग, ये DII भी यहाँ पर 0.02 सब यहाँ पर निकल गए हैं दोस्तों। ये देखिए 0.02% अब है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे तो दोस्तों मुझे थोड़ा सा नहीं लगता कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट लायक भी है दोस्तों। इस कंपनी में और भी बहुत सारी कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं दोस्तों, इसको हम अल्टरनेट के रूप से देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं, आइए कंपनी का बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डालते हैं दोस्तों। ये देखिए कंपनी का टोटल रिजर्व एंड सरप्लस देखिए -61.76 करोड़ का अभी जो फिलहाल पिछले क्वार्टर में देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर लगातार गिरावट आ रहा है रिजर्व एंड सरप्लस में, 180-149 अब माइनस में चला गया दोस्तों। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 0 है कंपनी के पास, कर्जा तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ये अच्छा साइन है। देख दोस्तों शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखिए, ये भी 0 है, यहाँ पर कर्जा बिल्कुल भी कंपनी के पास नहीं है, कंपनी बिल्कुल ही डेब्ट फ्री कंपनी है दोस्तों। नेक्स्ट आज के दिन कुछ अहम चीज इसके साथ हुआ है, देखिए 22 को कुछ डील हुआ है दोस्तों। ये देखिए लगातार 10 डील यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है आज के डेट में। देखिए 22/4/2021 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 10 डील यहाँ पर, जैसे ये 9-15 से स्टार्ट हुआ है और 12-25 तक लगातार 10 डील यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के अगर हम रिटर्न प्रोफाइल के ऊपर नज़र डालेंगे, ये देखिए कंपनी पिछले एक महीने में 50% का रिटर्न दिया है, 3 महीने में 125.41%, 6 महीने में 228% का, दोस्तों 1 साल में देखिए 1344% का रिटर्न यहाँ पर कंपनी दे दिया है। 5 साल का रिटर्न देखेंगे 501% का दोस्तों, और 10 साल में देखिए माइनस ये नेगेटिव रिटर्न कंपनी दिया है। कुल मिला के दोस्तों कंपनी का जो है फाइनेंशियल पैरामीटर और रिटर्न प्रोफाइल यही था। आप अगर कंपनी को ट्रस्ट करते हैं, आपको कंपनी अच्छा लगता है, तो आप बेझिझक इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। बट मेरे हिसाब से अगर मुझे पूछेंगे तो मैं तो फ़िलहाल इस कंपनी को अवॉइड करना चाहूँगा दोस्तों। बस आज के लिए इतना था। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।